किराएदारों की वेरिफिकेशन कराएंगे पीजी मालिक खुद। फरुखनगर क्षेत्र में बढ़ रहे अपराधों व पीजी में रह रहे किराएदारों व मीट मार्केट की दुकानों को बंद कराने के विषय में आज फरुखनगर एसीपी पटौदी हरिंदर कुमार ने थाना परिसर में सरपंचों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में एसीपी हरिंदर कुमार ने सरपंचों से आग्रह किया कि प्रशासन की गाँव में किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता हो तो वह सदैव तैयार है। सरपंचों ने एसीपी व मौके पर मौजूद अधिकारियों से आग्रह किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में फरुखनगर में रहने वाले किराएदारों का वेरिफिकेशन कराया जाए ताकि क्षेत्र में बढ़ रही चोरी व अन्य वारदातों पर रोक लग सके। इसके अलावा बस स्टैंड के नजदीक बनी मीट मार्केट को जल्द से जल्द बंद कराने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि मीट मार्केट को यहां से बंद करके अन्य किसी दूसरी जगह पर खुलवाया जाए ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। सरपंच एसोसिएशन के प्रधान फरुखनगर से सरपंच धर्मपाल ने कहा कि जब तक मीट मार्केट दूसरी जगह शिफ्ट ना हो, मीट की किसी भी दुकान पर सामान बाहर नजर न आए। इस मौके पर एसीपी हरिंदर कुमार, एसएचओ जितेंद्र कुमार, नायब तहसीलदार नरेंद्र कुमार, नगर पालिका सचिव नरेश कुमार, धर्मपाल सरपंच, प्रीतेश सरपंच, शिवताज सरपंच, रमेश सरपंच, सुरेंद्र यादव, पृथ्वी यादव, निशान सरपंच आदि मौजूद रहे। आज हमने जो कल ज्ञापन दिया उस विषय में आज एसीपी साहब ने मीटिंग बुलाई जिसमें तहसीलदार और म्यूनिसिपल कमेटी सेक्रेटरी इंस्पेक्टर साहब थे। तो हमने जो इलाके की समस्या वो बताई, एक तो जो वेरिफिकेशन वाली थी और खास तौर पे जो मीट मार्केट की बात जी, तो एसीपी साहब ने सेक्रेटरी साहब से आदेश दिए हैं कि भाई अपने ला में देखो अपने कानून में कि भाई ये दुकान यहाँ से हटाई जाए। और इस पर पर्दा तो कन्फर्म है लेकिन पंचायत इस चीज़ से संतुष्ट नहीं है कि भाई पर्दा डाल के वहाँ काम किया जाए। सर किराएदारों के लिए क्या बोल रहे हैं? किराएदारों के लिए उन्हें ये कहा कि भाई हम कहेंगे लेकिन एक बार डीसी साहब से मिलो, डीसी साहब पूरे ज़िले में ही आदेश कर दे कि भाई जिसने भी पीजी खोल रखा है जी वो स्वयं जिम्मेवार होंगे। अगर वो नहीं उस बात की पालना करें तो हम 183 या जो भी इनकी धारा है उसके तहत हम पर्चा करें, पीजी मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, बिल्कुल उसमें ये कही भाई एक बार डीसी साहब उस चीज़ पर आदेश करें तो हम डीसी साहब से मिलेंगे इस बारे में, तो डीसी साहब आदेश कर देंगे तो ये अपने नियमानुसार उस पर कार्रवाई जी सर।